देखिए, इसराइल लगातार लेबनन में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही लेबनन के अलग अलग इलाकों में इसराइल की एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। बेरूत के पास जिन रिहायशी इलाकों में बम गिरे, वहां बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौके पर मौजूद। एबीपी न्यूज मौजूद है लेबनन की राजधानी बेरूत के पास, और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर इसराइल ने तकरीबन 15 मिनट पहले जोरदार विस्फोट स्ट्राइक किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को, जिसमें ये आग लगी हुई है, इसे ध्वस्त कर दिया गया है। और ये लेबनन की राजधानी बेरूत से महज 15 मिनट की दूरी पर है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो लेबनन के दक्षिणी बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है इसराइल और लेबनन के हिजबुल्ला के बीच में, वो युद्ध किस तरह से बेरूत की दहलीज यानी कैपिटल की दहलीज तक पहुंच गया है। ये बिल्डिंगें देखिए, कितना भारी नुकसान हुआ है। लेबनान का दावा है कि इसराइल की बमबारी में आम नागरिकों को भी टारगेट किया जा रहा है। कई लोग मारे जा चुके हैं, 150 से ज्यादा घायल हैं। देखिए, इसराइल की ओर से हवाई हमले लगातार किए जा रहे लेबनन में, और इसी बीच में इसराइली सेना की ओर से लेबनन के लोगों को अपने शहर छोड़कर जाने की वार्निंग दे दी गई है। एबीपी न्यूज लेबनान की राजधानी बेरूत के पास उन सभी इलाकों तक पहुंचा जहां इसराइल के हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। इसराइल का यह हमला कितना भीषण था, कैसे रिहायशी इलाकों में बारूदी विस्फोट के बाद खौफनाक मंजर नजर आ रहा है, युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। युद्ध की ये तस्वीर बेरूत की दहलीज तक पहुँच गयी है। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, और इसमें यहाँ पर इसराइल ने स्ट्राइक करके देखिए कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर लिखी है। हिजबुल्ला और इजरायली फोर्सेस के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसके बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग को कैसे तहस नहस कर दिया गया है। बेरूत के पास दाहिद इलाके में इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसाए। ये वही जगह है जहां 27 सितंबर को इसराइल ने हसन नसरल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया था और उसे मार गिराया था। वार जोन के सबसे निडर रिपोर्टर यहाँ भी पहुंचे। इसराइल के मुताबिक अपने लिमिटेड ऑपरेशन से हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को भी टारगेट कर रहा है। ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इसराइल की तरफ से दी गई है। और बात देश की, उत्तर प्रदेश के अमेठी की बात करेंगे। देखिए, अमेठी में कल रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए। जब मामला बढ़ा तो सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अपराधियों ने एक दलित परिवार के चार लोगों के घर में घुसकर हत्या कर दी। मरने वालों में दलित शिक्षक, उसकी पत्नी और दो बच्चियां शामिल हैं। हत्याकांड की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच की। फिलहाल पुलिस को चंदन वर्मा नाम के उस शख्स की भी तलाश है जिस पर शिक्षक की पत्नी ने 18 अगस्त को SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए उससे अपनी जान को खतरा बताया था। साक्ष्य मिले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी चार टीम जिसमें लगी हुई है। सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। विपक्ष अमेठी में हुई इस घटना के बाद सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, कोई है कहीं है, #, नहीं चाहिए भाजपा। कांग्रेस ने भी हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा है। केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी, बांग्ला समेत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग को मंजूरी दे दी है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये चुनावी फैसला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बांग्ला समेत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। एकनाथ शिंदे, हेमंत बिश्व शर्मा और ममता बनर्जी ने फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, यह ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मोदी कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस ने चुनावी बताया और पूछा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने में इतनी देरी क्यों लगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट पर कहा कि कांग्रेस ने लगातार इसकी मांग की थी और लोकसभा चुनाव में इसका वादा किया था। उन्होंने एक साथ कई एक्सपोस्ट कर कहा कि 5 मई 2024 को हमने केंद्र सरकार को सौंपी गई पठारी समिति की रिपोर्ट की याद दिलाई। 12 मई 2024 को हमने संसद और संसद के बाहर इस मांग पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार की लंबी चुप्पी को हाईलाइट किया था।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।